हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। देखिए भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियोस ना देखें, आप कोचिंग भी मत जाइए, आप टेक्स्ट बुक भी मत पढ़िए। क्योंकि बिना आप क्वेश्चन किए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चंस बनाएंगे फिर टेस्ट सीरीज में मार्क्स आएंगे। आप शुरू में क्वेश्चंस बनाते नहीं हैं, बाद में कहते हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग से डे वन से जब आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी टाइम उसके क्वेश्चन साथ साथ करिए। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे, बस वीडियो देखते रहेंगे, कोचिंग अटेंड करते रहेंगे, तो जो इफेक्टिव जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आएगा। देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो देखना, कोचिंग अटेंड करना और टेक्स्ट बुक पढ़ना एक पैसिव काम है। आपका दिमाग थोड़ा रेस्ट में चला जाता है, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, ब्रेन बिकम एक्टिव। अगर वो एक्टिव रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर उसमें कुछ और आलतू फालतू चीज़ें चलती रहेंगी तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। और अगर आप दिन में 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब कि आपका दिमाग एटलीस्ट 4 to 5 hours बहुत एक्टिव रहा है। और जब 4 to 5 hours आपका दिमाग पर डे बेसिस पे एक्टिव रहेगा तो डेफिनेटली विद इन द टाइम पीरियड जो 7-8 महीने 1 साल जो आप तैयारी करेंगे, आपका जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डे वन से और जो फाइनल डे होगा उसके बीच में बहुत डिफरेंस होगा। बहुत अच्छे से आप चीज़ें सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, नए क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपेरेशन रिवीजन सब दिसंबर जनवरी में और फिर बोलते हैं कि अब नए क्वेश्चन नहीं बन रहे। भाई नहीं बनेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, ब्रेन डेवलप होता है धीरे धीरे। जिस पार्ट को आप स्ट्रेस करते हैं वो ही डेवलप होता है। अब डे वन से अगर आप साथ साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं जितने आपके पास अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी आप कवर करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपको चीज़ें समझ आएंगे, आप नई चीज़ें लगा पाएंगे। ये वही एग्जांपल सिमिलर है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान जिम जाता है या फिर फिजिकल वर्कआउट करता है तो वो उसकी बॉडी वेल शेप्ड होती है, वो लोड लेने के कैपेबल होती है, डेवलप करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स। तो ऐसा ही है, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है। वो अपने मसल्स पे स्ट्रेस डाल रहा है इसलिए वो डेवलप हो रही है, आप अपने ब्रेन पे स्ट्रेस डालिए इसलिए ब्रेन डेवलप हो जाएगा। आप स्ट्रेस ही नहीं डालेंगे ब्रेन पे तो कहाँ से डेवलप हो जाएगा भाई। जरा सा लगा कि मैं थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते, मेरे को इल्यूजन आ रहा है, मेरे को 1 घंटा हो गया, मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा, सिचुएशन आ गया, तो भाई नहीं पढ़ पाओगे तुम साले कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। फिर जब तुम थक गए हो तब और पढ़ो। एक पढ़ने का शॉर्ट मिनिमम 3 hours का होना चाहिए। 3 घंटे से पहले उठना ही नहीं है, मन लग रहा हो ना लग रहा हो 3 घंटे पढ़ूंगा। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि एक एक्टिविटी अगर तुम 21 times रिपीट करते हो कोई भी, तो वो आपके बिहेवियर में आने के चांसेस होते हैं उसके। अब जब आप 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ेंगे तो इनिशियली आपको बड़ा बुरा लगेगा कि यार क्या चल रहा है ये, मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है, 1.5 घंटे बाद 1 घंटे बाद डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फलाना डिमाग है, जो भी आपके फालतू रीजन हो वो सारे ऐड कर लो। बट अगर 3-3 घंटे के 21 slots आपने एक बार पार कर लिए पढ़ाई के, उसके बाद आपके ब्रेन को आप सबकॉन्शियसली एक चीज़ सेट हो जाएगी, ये सारा 3 घंटे पहले नहीं उठेगा। आप डिस्ट्रैक्ट हो या ना हो, वंस दिस मैसेज गोज टू योर ब्रेन 3 घंटे तक वो बढ़िया से काम करेगा ही करेगा। लोग मेरे से बोलते हैं सर आप कैसे पढ़ लेते थे, अब तो एवरेज स्टूडेंट थे ही नहीं, क्योंकि आप तो लंबा लंबा पढ़ लेते थे, पूरा पूरा दिन पढ़ लेते थे। अरे भाई डे वन नहीं पढ़ा जाता था मेरे से, मेरे पैर दुखने लग जाते थे बैठे बैठे, 1/2 घंटे में 1/4 घंटे में पैर सो जाते हैं जो बोलते हैं, कमर दुखती थी पैर सो जाता था, कुछ कुछ ऐसे फालतू फालतू हरकतें होती थी, दिमाग भटक जाता था, शुरू में नहीं हो पाता था। बट ट्राई टू स्ट्रेस योर सेल्फ। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है फालतू की टेंशन ले ली दुनियादारी की, फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई करो, दिमाग पर स्ट्रेस डालो पढ़ाई का, पढ़ना है। 3 घंटे का एक स्लॉट रखो मिनिमम, डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों ट्रेन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा। 1 साल ऐसा कर लिए, उसके बाद जो आप जिंदगी में करना चाहेंगे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि करियर बनाना अनिवार्य है।
उसके बाद तो आपके पास आपकी सैलरी आती रहेगी, फ्री टाइम में आप कुछ भी करिए, कौन मना कर रहा है आपको। चलिए अब लेसन 5 स्टार्ट करते हैं, सरफेस टेंशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटू छोटू से कॉन्सेप्ट है दो चार, वो हम बहुत आराम से प्यार से देखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर गेट और ईएससी प्लस आपकी वर्कबुक या टेक्स्ट बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है उन सबसे आप क्वेश्चन लगाएंगे। बट कंडीशन ये है, थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेसिक क्लियर हो गया तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे, बस कानों में ईयरफोन लगा लिया, वीडियो सुन ली, बस उसके बाद क्वेश्चन में घुस गए। अबे सुनना है, समझना है, एटलीस्ट जो 10-15 मिनट है वो इफेक्टिव दो, फिर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सरफेस टेंशन की। सिग्मा से हम डिनोट करेंगे सरफेस टेंशन को। लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल अंडर द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। दिस मॉलिक्यूल ए इज अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दस दिस मॉलिक्यूल इज अंडर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल ए है वो कोहेसिव फोर्सेस के अंडर है। कोहेसिव फोर्सेस हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जो खुद के टाइप के मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, आपका मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स था। फॉर एग्जांपल वाटर और ग्लास के सरफेस के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास सरफेस, ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो एडहेशन फोर्स है। तो कोहेसिव फोर्स की यहाँ बात हो रही है क्योंकि अंडर द सरफेस है, सरफेस से काफ़ी दूर है, तो मतलब इसके आसपास जो पॉइंट्स है जितने मॉलिक्यूल्स है सारे इसी टाइप के होंगे, तो कोहेशन फोर्स डेवलप हो रहा है। अब ये हर एक पार्टिकल को अपने आसपास जो है उनको अपनी तरफ खींच रहा है और रिटर्न में जो पार्टिकल्स के अराउंड है वो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ओवरऑल हर तरफ से कोहेसिव फोर्स इसको खींच रहा है, ये जो डायरेक्शन दिखाई हुई है, बट ओवरऑल पार्टिकल बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। पहले तो पार्टिकल ये हुआ, दूसरा हम बात करते हैं, लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल बी विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ नेट डाउनवर्ड पुल एंड हेंस द मॉलिक्यूल इज अंडर स्ट्रेच्ड कंडीशन। देखिए मॉलिक्यूल बी की बात कर रहे हैं, ये वो मॉलिक्यूल है जो एकदम सरफेस पे है। अब एकदम सरफेस पे है तो जो ये नीचे वाला हाफ एरिया है, हाफ जो गिवन है, यहां तो कोहेसिव फोर्सेस होंगे क्योंकि इसके जैसे मॉलिक्यूल्स हैं आसपास, तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो ये सरफेस है इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कुछ नेट आपका कोहेसिव फोर्स बचेगा। ये अनबैलेंस फोर्स ही एक मेजर रीजन है सरफेस टेंशन का। अब देखिए इतना ही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग क्या घुस जाते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, सर यहाँ कोहेशन है ठीक है समझ गए, बट ऊपर भी तो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल है, एडहेशन फोर्सेस होंगे सर, बैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस सर, ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अबे इक्विलिब्रियम में तो है पॉइंट ऑलरेडी, बट वो एकदम पोटेंशियली स्ट्रेच्ड है वो। अब यहाँ अगर जो एडहेशन फोर्सेस आ रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स के साथ वो उतना नहीं है जितना कि कोहेसिव फोर्स है। ये सरफेस टेंशन में तब नहीं होगा जब ऊपर जो फ्लूइड है उसका जो कोहेशन फोर्स है इस मॉलिक्यूल के साथ, उसका जो एडहेशन फोर्स है सॉरी इस मॉलिक्यूल के साथ, और इस मॉलिक्यूल का जो कोहेशन फोर्स है अपने खुद के पार्टिकल आसपास के पार्टिकल के साथ वो बैलेंस हो जाए, बट वो बैलेंस होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सरफेस पे 99.99% अनबैलेंस फोर्स रहेगा और जो मेजर फोर्स है अनबैलेंस वो कोहेशन का होगा, इसलिए हम सिर्फ ये कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, रिसर्च नहीं करना, क्वेश्चन जो पूछेगा उसका आंसर इसी टाइप में होता है कि अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स अंडर अ पुल एंड ड्यू टू दिस देयर अपियर्स टू बी अ मेम्ब्रेन ओवर द सर्फेस ऑफ द फ्लूइड विच कैन बियर स्मॉल लोड्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सर्फेस टेंशन। आपने कई बार देखा होगा पानी के सर्फेस पे आप कोई छोटा सा लीफ पत्ता वगैरह पेड़ का वो सब रखेंगे तो तैरने लगता है,
या फिर कोई छोटा सा इंसेक्ट टाइप्स में, मच्छर टाइप का कोई अगर पानी पे बैठता है तो वो तैरता है पानी पे, वो सिंक नहीं करता है। वो सिर्फ इसलिए है कि जो ऊपर वाला जो जितना भी पूरी मेम्ब्रेन है टॉप मॉलिक्यूल्स वालों की जो सरफेस पे हैं, वो एक नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अंडर है और स्ट्रेच्ड है एकदम, इसलिए वो कैपेबल हो जाता है छोटे छोटे लोड लेने के। इसी वजह से जो ये नेट इफेक्ट आता है, छोटा छोटा लोड ले पाता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज अ लाइन फोर्स विद फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन इन द प्लेन ऑफ द सरफेस। द सरफेस टेंशन इज आल्सो गिवन एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। देखिए सिग्मा जो है हमारा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो डेफिनेटली इसकी जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। जो फोर्स ये है, ये फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स, जो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस आ रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी वजह से जो फोर्स है वो है ये। एल है लेंथ ओवर विच द सरफेस टेंशन इज एक्टिंग, मतलब पैरामीटर जनरली बात होती है नॉर्मली केसेज में। आई होप इतना समझ आया आपको। अब देखते हैं कुछ छोटी सी चीजें जो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस हैं, वो टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। इसी वजह से विस्कोसिटी डाउन हो गई थी और इसी वजह से आपका सरफेस टेंशन भी कम हो रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो कम हो रहे हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, आपका लिक्विड डायरेक्टली वेपर में चला जाता है। इसका मतलब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं वहाँ, अब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं, कोई कोहेजन फोर्स ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स आर यूज्ड व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड ब्रेक द फ्लूइड फिल्म सो दैट डर्ट पार्टिकल कैन कम आउट इजिली। मतलब सरफेस टेंशन कम करता है डिटर्जेंट, और इसके अलावा कुछ नहीं करता। सरफेस टेंशन कम करते हैं इसका मतलब जो डर्ट के स्मॉल पार्टिकल है उनको इजिली वो बाहर आने देगा, वो सरफेस टेंशन की वजह से वो अंदर ट्रैप नहीं होंगे। अ लिक्विड ड्रॉपलेट टेक्स अप द शेप ऑफ स्फीयर ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सबसे बाहर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को खींचेंगे, स्ट्रेच होंगे, और ओवरऑल जो आपका शेप जो ड्रॉपलेट की आएगी वो स्फेरिकल आ जाती है, कोशिश करता है वो स्फेरिकल बनने की। सिंपल कुछ नहीं है, आप पानी लीजिए उसको ऊपर उछाल दिए, हवा में उछाल दीजिए, ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे उसमें ड्रॉपलेट्स में, आपको दिखेगा वो। ये तो भी सरफेस टेंशन की एक फील, एक बेसिक बात कि होता क्या है सरफेस टेंशन। अब जो नेक्स्ट तीन स्लाइड हम देखेंगे वो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी और वाहिया टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्यूरेसी 100% आएगी और बहुत जल्दी हो जाएंगे, 2 मिनट लेंगे भी नहीं, 30 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क्स भी आ जाएंगे। अच्छे से देखेंगे, समझेंगे चीज़ क्या है और क्वेश्चन क्या पूछता है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट है मतलब सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है। एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, इसमें एटमोस्फेरिक से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कितना ज्यादा है वो प्रेशर हम निकाल रहे हैं और उसी को हम गेज प्रेशर बोलते हैं। स्फेरिकल ड्रॉपलेट को हम कट करेंगे बीच में से। अब जो पैरामीटर है ये सर्कुलर जो पैरामीटर आया है, यहां सरफेस टेंशन फोर्सेस आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि बाहर वाला जो सरफेस है यहीं पे अनबैलेंस फोर्सेस बचे हुए हैं, और जो सेंटर वाला पार्ट है वहां तो जो प्रेशर है, जो एक्सेस प्रेशर है वो लग रहा है, तो जो एक्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा वो बैलेंस हो जाएगा सरफेस टेंशन से, या फिर आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप हुआ एक्सेस प्रेशर का वो दोनों बैलेंस होंगे। मान लो पी एक्सेस प्रेशर है, तो प्रेशर इनटू एरिया जो सर्कल का एरिया है उस पर वो प्रेशर लग रहा है, पाई बाई 4d2, डी ड्रॉपलेट का डायमीटर है, विल बी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा सरफेस टेंशन था हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है जो पैरामीटर है इसका वो लेंथ है, सिग्मा इंटू पाई डी सर्कुलर एरिया का पैरामीटर है। रीअरेंज करेंगे तो आपका एक्सेस प्रेशर या गेज प्रेशर बोल सकते हैं,
वो आ जाएगा 4 सिग्मा बाय डी। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। अब अगर बबल है हमारा तो मतलब जो इनर पार्ट है वो खाली है, एयर है उसमें, और बाहर भी एयर है, बाहर कुछ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अंदर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होगा और जो एक्सेस प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो हम निकालेंगे, उसी को गेज प्रेशर बोलते हैं। एटमोस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना प्रेशर उसका ज़्यादा, वो गेज प्रेशर होता है। अब क्या बबल के केस में मान लो ये थिकनेस है उसकी फिल्म की, तो कुछ इनर डायमीटर होगा, कुछ आउटर डायमीटर होगा, और खास बात ये है कि आउटर डायमीटर पे भी एक सरफेस है और इनर डायमीटर पे भी एक सरफेस है, तो जो ओवरऑल लेंथ है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो बराबर होगा प्रेशर फोर्स के। प्रेशर मान लो पी है जो एक्सेस डेवलप हुआ, एरिया जो इनसाइड है वो पाई बाई फोर डी आई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू टोटल लेंथ, बाह इनसाइड वाली लेंथ प्लस आउटसाइड वाली लेंथ, दोनों पैरामीटर ऐड करेंगे। बहुत कम चांस होगा कि आपको दोनों डायमीटर अलग अलग दें, क्योंकि फिल्म जो होती है बबल की वो बहुत ही कम होती है। अगर फिर भी क्वेश्चन बोलता है नहीं मैं तो अलग अलग करवाऊंगा कैलकुलेशन, तो ठीक है ये इक्वेशन यूज करिए, नहीं जनरली दोनों डायमीटर सेम होंगे, सेम मान के चलेंगे, सेम दिया होगा, तो आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे पी इंटू प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर है इंटू एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ट्वाइस ऑफ पाई डी, दो बार, दो, एक इनर सरफेस की वजह से जो आ रहा है, एक आउटर सरफेस की वजह से जो आ रहा है। रीअरेंज करेंगे एक्सेस प्रेशर आपका आ जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। अब देखेंगे एग्जैक्टली डबल आया है इसके, एग्जैक्टली डबल इसलिए आया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सरफेस था इसलिए एक पैरामीटर बना था, इसमें सरफेस एक इनर वाला है एक बाहर वाला है, तो जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स वो डबल हो जाएगा, तो इसलिए एग्जैक्टली डबल आपका एक्सेस प्रेशर आया। लास्ट देखते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। अब लिक्विड जेट है सिलेंड्रिकल होगी, अगर जो ओपनिंग है जहां से जेट आ रही है वो सिलेंड्रिकल टाइप की है तो सिलेंड्रिकल ओपनिंग होगी। इसको बीच से कट करेंगे तो ऐसा पार्ट आपको दिखेगा, सिलेंडर को बीचों बीच कट किया तो रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिखेगा। अब देखिए जो सरफेस टेंशन है वो आउटर एज से लगेगा उस साइड से और इस साइड से, क्योंकि यही इसका बाहर वाला सरफेस है। इस एज को काउंट मत कर लेना बे, क्योंकि सरफेस नहीं है, इसके आगे भी फ्लूड है, पीछे भी फ्लूड है, ऊपर भी फ्लूड है, नीचे फ्लूड है, सरफेस नहीं है, ये सरफेस है। अब देखिए जो प्रेशर फोर्स है, प्रेशर की वजह से इनसाइड में जो एक्सेस प्रेशर उसकी वजह से फोर्स डेवलप होगा वो सरफेस टेंशन को बैलेंस करेगा। प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, डायमीटर इंटू लेंथ, डी इंटू एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टोटल लेंथ एल प्लस ये वाली लेंथ एल 2L। रीअरेंज करेंगे आपका आ जाएगा 2 सिग्मा बाय डी एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट। हो गया, बस तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बस एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट, इनसाइड बबल एंड इनसाइड लिक्विड जेट, बस कवर हो गया। आपका जो सरफेस टेंशन का टॉपिक है वो इतना ही है, छोटू सा टॉपिक है, बेसिक चीजें सबको समझ आई है, याद उसी को रहेगा जो क्वेश्चन करेगा। अब आप चाहते हैं कि पेपर में क्वेश्चन बने आपसे, नए क्वेश्चन आप कर पाएं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अभी बैठ के, और अगर आप चाहते हैं कि बस सब धुआं धुआं हो जाए थोड़े दिन बाद तो बस अब वीडियो देख ली और भूल जाओ इसको। मैं सजेस्ट करूंगा जो आपकी भूलने की टेंडेंसी है, जो आपको रोकता है कि आप ना पढ़ो, जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में आपका मन लगता है, ऐसे थॉट्स को हटाओ बे। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव भी होता है और हर इंसान के अंदर नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव को दबाओ, सप्रेस करो, ख़त्म करो, पॉजिटिव को बढ़ावा दो, पॉजिटिव रहो, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।